गाइस अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द फाउंडर ऑफ टेस्ला तो आप एलन मार्क ही बोलोगे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है आपने एलन मार्क इसलिए बोला क्योंकि टेस्ला कंपनी चाहती है आप उनके नाम लो। ऐसे ही टेस्ला को मार्टिन एबार्ट और मार्क टर्निंग ने मिलकर स्टार्ट किया था और एलन मार्क को इस कंपनी की भनक तक नहीं थी। लेकिन जब टेस्ला थोड़ा फेमस होकर ज्यादा लोगों तक पहुंचा तब काफी इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इवेंचुअली उसी वक्त टेस्ला ने 7.5 मिलियन डॉलर तक फंड जुगाड़ कर चुका था और मार्क ने कलाई 6.5 मिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट किया था। उसी वक्त एलन मस्क गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जहाँ मार्टिन मा और मार्क भी था। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इतनी पावर होती है कि बोर्ड मेथड के थ्रू कंपनी के सीईओ को भी निकल सकती है। और उधर जाते ही ना जाने किस वजह से मार्क्स मार्टिन और मार्क में झगड़ा होना शुरू हो गया और एलन मस्क ने इसी तरह दोनों को कंपनी से निकल दिया। और 2008 तक टेस्ला लोगों को यही बताती मार्क्स डायरेक्टर फाउंडर है टेस्ला की। और उसी साल मार्टिन मार्क ने टेस्ला के खिलाफ लॉर्ड्स ऑफ साइन किया था और फाइनली 2009 में उस लॉर्ड्स ऑफ साइन के सेटलमेंट हुई जिधर कहना पड़ा टेस्ला को इन तीनों को फाउंडर।